एसजीपीसी के नए अध्यक्ष कृपाल सिंह बडूंगर ने आज एसजीपीसी की पहली बैठक ली और बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा भी हुई, तो कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रोफेसर कृपाल सिंह बडूंगर की अध्यक्षता में एसजीपीसी ने बेअदबी की घटनाओं की रोकथाम के लिए कोशिशें और तेज कर दी है। तीसरी बार एसजीपीसी के अध्यक्ष बने प्रोफेसर कृपाल सिंह बडूंगर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बेअदबी की घटनाओं को रोकना। एसजीपीसी की पहली कार्यकारिणी की बैठक में पहला प्रस्ताव ही इस पर पास किया गया। प्रोफेसर बडूंगर ने सभी जिला अध्यक्षों से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सुशोभित स्वरूपों के बारे में जानकारी मांगी है, ताकि बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए रणनीति बनाई जा सके। बेअदबी के खिलाफ मुहिम में एसजीपीसी की तरफ से शहर और गाँव में स्थानीय संगठनों से मदद ली जाएगी। ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। इसके साथ ही इस मीटिंग में एसजीपीसी की तरफ से सभी सराओं को ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया। पर्यावरण को संभालने के लिए इस मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया गया। एसजीपीसी की तरफ से पर्यावरण विदों के साथ मिलकर पर्यावरण को संभालने के लिए मुहिम शुरू की जाएगी। श्रोता ने बाबा सेवा सिंह जी, कार सेवा खड़ूर साहब वाले, बाबा प्रवीर सिंह सिचेवाल अते होर वातावरण प्रेमियों नूं नाल लै के वातावरण दे सुधार लई इक वड्डे पद्धर ते लहर चलाई जावे। ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੇ ਸਰਾਓ ਕੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨੇ ਕਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਰਾਜਨ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਮੀਡੀਆ।